अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 9 इज़ कंसर्न विद रीडिंग द न्यूज़ पेपर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट दिस इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट टॉपिक एज वी रीड द न्यूज़ पेपर एवरी डे, सो वी डू नॉट नीड टू नो मच अबाउट रीडिंग न्यूज़ पेपर एज वी ऑलरेडी नो हाउ टू रीड द न्यूज़ पेपर। ओके, सो द थिंग्स इन दिस यूनिट दे गो बियॉन्ड जस्ट रीडिंग द न्यूज़ पेपर। द थिंग्स described in this unit are related to the types of the newspaper. The things are also described related to the organization and the sections of the newspaper. Furthermore, we have also been told about the catch headlines and how can we write catch headlines. So there are 3 to 4 different types of questions that can be based on this unit. So it is a sort of important unit in the second section of reading. ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है आपका रीडिंग का, उसमें ये काफी अहम यूनिट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर दैट वी सी एवरी डे इन अवर लाइफ. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीबॉडी अस वी नो व्हाट अ न्यूज़पेपर इज. हम उर्दू या इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे इर्द गिर्द हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे घर में, या हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और जैसे ही न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलता है तो हम उसको उठा लेते हैं फौरन. हाँ जी, हम जल्दी से नज़र दौड़ाते हैं इन ऑर्डर टू नो दैट व्हाट इज़ रिटन और व्हाट आर द मेन हेडलाइंस ऑफ द डे. ठीक है, सो एज फार एज द टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आर कंसर्न, द फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ न्यूज़पेपर इज अ डेली न्यूज़पेपर और अ वीकली पब्लिकेशन. डेली या फिर वीकली, ठीक है, क्या दो टाइप्स हैं. डेली का मतलब वो अखबार जो कि रोज़ाना छपता है, वीकली का मतलब कि वो अखबार जो कि हफ्ता वाराना छपता है, और इसके अंदर ऑब्वियसली न्यूज़ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स और बाकी आइटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. तो न्यूज़पेपर यूजली जो है वो लार्ज यानी कि बड़े बड़े पेपर्स के ऊपर छापा जाता है, और ये वो पेपर्स होते हैं जो कि इनएक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि ज़्यादा महंगा जो है वो नहीं होता बल्कि सस्ता पेज होता है. वो शख्स जो कि एक न्यूज़पेपर को ऑन करता है, जो कि उसका मालिक होता है, उसको हम कहते हैं पब्लिशर. ठीक है, द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर इज कॉल्ड द पब्लिशर. और एडिटर वो शख्स होता है जो कि इंचार्ज होता है न्यूज़पेपर के कंटेंट का, यानी कि अखबार के अंदर जितनी खबरें छपती हैं, जो कुछ भी छपता है, जो कुछ लिखा जाता है, उस सब की जिम्मेदारी जो है वो एडिटर पे होती है, कि एडिटर को जिम्मेदारी कबूल करना पड़ती है. अगर खबर गलत होगी, इनएक्यूरेट होगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडिटर पे होती है. और इसके अलावा न्यूज़पेपर के हवाले से एक और शख्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और वो होता है रिपोर्टर. रिपोर्टर इज द इंडिविजुअल हु रिसर्चेज एंड राइट्स आर्टिकल, जो कि रिसर्च करता है, तहकीक करता है, और तहकीक करने के बाद वो अखबार के अंदर जो है वो आर्टिकल्स लिखता है. ठीक है, अब आर्टिकल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं ऑब्वियसली, और इंफॉर्मेशन जो है वो यकीनन जो है वो तहकीक किए बगैर हासिल नहीं की जा सकती. तो न्यूज़पेपर जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक असेंशियल हिस्सा है. ठीक है, हम इसे जान नहीं छुड़ा सकते, और न्यूज़पेपर को रीड करना इंतहाई कॉमन एक्टिविटी है. मैंने आपको बताया कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम होटल में जा रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, हम अपने कॉलेज में, लाइब्रेरी में, हर जगह पे न्यूज़पेपर जो है वो अवेलेबल होता है. तो अब हम अपनी कौम को अगर देखें तो हमारे यहाँ तो रीडिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है हमारे यहाँ वो न्यूज़पेपर ही है. ठीक है कि लोग जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं. किताबें पढ़ना हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम न्यूज़पेपर को लाजमी नज़र दौड़ाते हैं. अच्छा, न्यूज़पेपर जो है बेटा, उसके उसके अंदर वेरियस टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल होती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग्स. ठीक है, अब ये न्यूज़पेपर के सेक्शंस हैं बेसिकली. ठीक है, इस पे आपका आपका मतलब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द न्यूज़पेपर, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल हैपनिंग्स का पेज होता है, फिर आर्ट एंड कल्चर का पेज है, फिर पीपल प्लेसेस एंड एनवायरमेंट्स के हवाले से है, अपना पावर अथॉरिटी एंड गवर्नेंस यानी कि जो हुकूमती इश्यूज हैं उसके हवाले से पेज होता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन यानी कि बिजनेस के हवाले से है,
साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के जो इनोवेशंस हो रही होती हैं उसके हवाले से, सिविक्स के हवाले से है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है इंफॉर्मेशन की, एंटरटेनमेंट का एक अपना सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स का सेक्शन जो है वो अलग होता है जिसमें हमें नेशनल और इंटरनेशनल मतलब गेम्स के हवाले से चीज़ें बताई जाती हैं, और इसके अलावा क्राइम का जो सेक्शन है वो अलग से होता है कि जिसमें वी आर टोल्ड अबाउट द डेली क्राइम्स दैट आर हैपनिंग इन द सिटी एंड इन द कंट्री एज वेल। तो न्यूज़पेपर का फॉर्मेट जो होता है या उसका साइज़ जो होता है या उसकी शेप जो होती है वो बाकी जो हमारी किताबें हैं लाइक नावल्स हो गया या फिर जनरल बुक्स हो गई उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। ज़ाहिर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और ख़ास किस्म का एक उसका अंदाज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का। न्यूज़पेपर जो हैं अनलाइक अदर बुक्स, उनका ताल्लुक जो है वो वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म से होता है, ठीक है। अगर हम कोई नावल पढ़ते हैं तो उसका ताल्लुक लिटरेचर की दुनिया से है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई किताबें पढ़ते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उनका ताल्लुक एकेडमिक वर्ल्ड से होता है, उसको पढ़े लिखे लोग लिखते हैं। लेकिन जहाँ तक न्यूज़पेपर का ताल्लुक है तो इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, एंड जहाँ तक जर्नलिज्म का ताल्लुक है तो इट इज़ कंसर्न विद द डेली इवेंट्स के रोज़मर्रा के वाकयात जो हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या नहीं हो रहा, उसमें कौन सी चीज़ें हैं, उसमें कौन सी चीज़ें नहीं हैं, सियासत में मतलब क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं आपके वो न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। सो न्यूज़पेपर के अंदर वेरियस, जैसे ऑलरेडी बताया कि सेक्शंस होते हैं, इसमें आपको एडिटोरियल्स मिलेंगे, इसमें आपको स्पोर्ट्स आर्टिकल मिलेंगे, इसमें आपको मीडिया रिव्यूज़ मिलेंगे, इसमें आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगी, इसमें आपको सोशियो पोलिटिकल आर्टिकल्स मिलेंगे, इसमें आपको लेटर टू द एडिटर मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब स्टाइल के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से एक्सट्रीम किस्म की डाइवर्सिटी जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जितने भी सेक्शंस लिखे हैं ना, आपने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना है कि इस चैप्टर के बारे से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, तो आपको पेपर के अंदर जो है वो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, तो उस एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में आपने जॉब एप्लीकेशन लिखना होती है। जॉब एप्लीकेशन आप ऑलरेडी इंग्लिश वन में सीख चुके हैं, तो लिहाजा जॉब एप्लीकेशन जो है वो भी आ सकती है यहाँ पे। इसके अलावा लेटर लिखे जाते हैं टू द एडिटर, अब लेटर राइटिंग आप ऑलरेडी इंग्लिश वन में सीख चुके हैं, तो लिहाजा इस चैप्टर की बेस पे, चूंकि न्यूज़पेपर के अंदर ये सेक्शंस होते हैं, तो इस चैप्टर की बेस पे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे आते हैं। और जब इस टाइप के आप आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये देखें जी पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो बेसिकली पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं है, चीज़ें मेंशनड हैं, और ये जो स्किल्स हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चन मतलब के बेस करते हैं वो स्किल आप ऑलरेडी इंग्लिश वन के अंदर सीख चुके हुए हैं, तो इस वजह से पेपर सेटर एज्यूम करता है कि आपको लेटर टू द एडिटर भी लिखना आता होगा, और वो एज्यूम करता है कि आपको लेटर जो है वो जॉब एप्लीकेशन भी लिखना आती होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जहाँ तक लेंथ का ताल्लुक है, तो मुख्तलिफ न्यूज़ जो होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर उनकी लेंथ जो होती है मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल एडिटोरियल्स जो होते हैं या फिर ओपिनियन का जो सेक्शन होता है उसमें काफ़ी लेंथी आपको जो है वो सेक्शन देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो लोकल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से होता है तो वो छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो उसकी हेडलाइंस जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। और ऑलरेडी बात डिस्कस हो चुकी कि न्यूज़पेपर या तो डेली बेसिस पे इशू होता है या फिर वीकली बेसिस पे इशू होता है, और न्यूज़पेपर को रन करने के लिए जो उसकी इनकम है वो एडवर्टीजमेंट्स यानी कि इश्तहारों से जनरेट होती है। ऑब्वियसली जो सेल है न्यूज़पेपर की, अगर अखबार महंगा होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे ना, लोगों को क्या ज़रूरत है महंगा अखबार खरीदने की, वो खबरें सुन लेंगे टीवी से। तो लोगों का न्यूज़पेपर के अंदर इंटरेस्ट कायम करने के लिए प्राइस उसकी लो रखी जाती है, और जो रेवेन्यू है उसके लिए इश्तहारों पे यानी कि एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर डिपेंड किया जाता है। अच्छा जी, अब एक अपना जनरल असेसमेंट है आपके हवाले से कि क्या आप जो है वो न्यूज़पेपर के हवाले से कितना एक नॉलेज रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू राइट डाउन द नेम्स ऑफ थ्री डेली न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, थ्री उर्दू डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। तो जंग है, एक्सप्रेस है, और इसके अलावा हमारे पास खबरें हैं, ठीक है। तो ये अपने तीन बड़े अखबार हो गए। विच न्यूज़पेपर
डू यू एंड योर फैमिली रीड एंड वाई, कि आप मतलब कि कौन सा अखबार पढ़ते हैं और किस वजह से पढ़ते हैं। तो अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर? फवायद क्या होते हैं? कि यू कीप इन टच विद द डेली इंफॉर्मेशन, कि डेली की जो अपडेट्स होती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। हु राइट्स इन द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर के अंदर जर्नलिस्ट जो हैं वो लिखते हैं। वेयर कैन वी ईजीली गेट और बाय अ न्यूज़पेपर? तो न्यूज़पेपर हर जगह पे मौजूद होता है। आप लारी अड्डे पे जाएं, आप रोड पे जाएं, तो लोग जो है वो न्यूज़पेपर लेकर खड़े होते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू बी विदाउट न्यूज़पेपर? व्हाट वुड लाइफ बी, कि जिंदगी कैसी होगी अखबार के बगैर? तो ऑब्वियसली फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो कम होगा और हमारे पास इंफॉर्मेशन लेस होगी एज कम्पेयर टू दी अदर थिंग। सो व्हाट इज द वन मेन डिफरेंस बिटवीन अ डेली एंड अ वीकली एंड अ मंथली न्यूज़पेपर? ठीक है, डेली में रोज़मर्रा की खबरें होती हैं, हफ्ता वाराना में हफ्ता वाराना खबरें होती हैं, मंथली में मंथली न्यूज़ होती हैं। और ऑब्वियसली मंथली की लेंथ ज़्यादा होगी, वीकली की उससे लेंथ होगी कम, और जो डेली है उसकी लेंथ सबसे शॉर्ट होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ वन मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस दैट यू सी इन द न्यूज़पेपर्स एंड द टीवी न्यूज़ चैनल्स? तो वो इमोशंस हैं, कि टीवी न्यूज़ चैनल्स पे जो खबरें दी जा रही होती हैं वो इंतहाई इमोशनल किस्म के अंदाज में होती हैं। ये देखें जी ये हो गया, वो देखें जी वो हो गया। ऑन दी अदर हैंड न्यूज़पेपर जो है उसके ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं अनबाइस्ड किस्म की लैंग्वेज में। ठीक है, 10th क्वेश्चन है कि इन चीज़ों के जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं के अपने कौन कौन से पेजेस होते हैं? तो इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो ऑब्वियसली फ्रंट पेज पे नहीं होती, अंदर वाले पेज पे होती है। डोमेस्टिक न्यूज़ जो होती हैं ये फ्रंट पे भी होती हैं और अंदर भी होती हैं। बिजनेस न्यूज़ तो सबसे जो है वो कहीं आखिर पे जाके होती है। एडिटोरियल्स जो है वो सेंटर में होते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है वो भी कहीं सेंटर के बाद आते हैं। स्टॉक मार्केट बिजनेस के साथ ही होती है। टीवी शेड्यूल्स हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए खास, तो 3 पेज मखसूस किए जाते हैं। रिव्यूज़ हैं, वेदर फोरकास्ट। अब ये आप अखबार देखेंगे, आपके सामने ओपन होगा, तो वहाँ से देख कर आप जो प्रॉपर इसका आंसर लिख सकेंगे। ठीक है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर पे, और इस पे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर, के जो न्यूज़पेपर है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ईच न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है उसका एक टाइटल होता है, जैसे हेडिंग होती है ना हमारे यहाँ, जब हम कोई मजमून लिख रहे होते हैं या जब हम कोई लेंथी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें हम हेडिंग्स देते हैं। इसी तरह चूंकि न्यूज़पेपर जो है इट इज़ लेंथी पीस ऑफ राइटिंग, तो इसके मुख्तलिफ सेक्शंस जो होते हैं, कीपिंग इन व्यू दोज सेक्शंस, हर अपना सेक्शन जो है उसकी एक हेडलाइन होती है। ठीक है, तो हर एक न्यूज़पेपर जो आर्टिकल होगा उसकी एक हेडलाइन होगी। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है? हेडलाइन। और हेडलाइन इज रिटन इन दी लार्ज टाइप, जिसको बड़े फॉन्ट में लिखा जाता है, दैट ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन एंड मेक्स द रीडर्स वॉन्ट टू रीड द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल। कि हेडलाइन को इस अंदाज में, इस बड़े अंदाज में लिखा जाता है कि रीडर उसको देखते साथ ही उसकी जाने उसकी अटेंशन मबजूल हो, और अटेंशन मबजूल होने के बाद वो पूरा जो आर्टिकल है उसको वो पढ़े। तो इसको को कैच हेडलाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो मुकम्मल आपकी न्यूज़ होती है, मुकम्मल न्यूज़ का पहला पैराग्राफ की पहली लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं लीड। ठीक है, लीड उसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये वो लाइन है कि जिसके अंदर पूरी खबर का आपको खुलासा दिया जाता है, कि बता दिया जाता है कि 5 W's जो है उसका आंसर इस लीड सेंटेंस के अंदर होता है, जो कि एक ही जुमला होता है। हु व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई, इन सारी चीज़ों का जवाब लीड सेंटेंस के अंदर होता है। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ है वो उसका सपोर्टिंग पैराग्राफ होता है और उसकी डिटेल होती है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से हमने ऊपर ऐसे राइटिंग पढ़ी शुरू के यूनिट्स में, और हमें पता चला कि एक अदद आपका हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद जो है वो बाकी उसके सारे सपोर्टिंग पैराग्राफ्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हेडलाइन, हेडलाइन के बाद लीड या फिर टॉपिक सेंटेंस आता है, और उसके बाद फिर उसकी सपोर्टिंग डिटेल होती है। ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल के अंदर बाकी फैक्ट्स, कोटेशंस और बाकी जितने भी हकायक हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जो
रिपोर्टर है, रिपोर्टर का अपना ओपिनियन पीस ऑफ न्यूज़ के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन के लिए अलग से पेज होता है और उस पेज को हम कहते हैं एडिटोरियल, ठीक है। तो ओपिनियंस की जगह न्यूज़ के अंदर नहीं होती, न्यूज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ हकाइक पेश किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर हमें पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जितनी भी पिक्चर्स होती हैं या जितनी भी इलस्ट्रेशंस होती हैं उनके नीचे उनका कैप्शन दिया गया होता है। कैप्शन के अंदर ये एक्सप्लेनेशन होती है कि इस पिक्चर के जरिए किस चीज़ की या फिर किस आइडिया की वजाहत जो है वो की जा रही है। अब न्यूज़पेपर के स्ट्रक्चर के हवाले से सबसे पहले बात हमने कर ली, ठीक है, कि न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं और उसके बाद उसकी सपोर्टिंग और उसकी डिटेल आ जाती है। दूसरा जो सेक्शन है वो कहलाता है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स वो चीज़ होती हैं कि जहाँ पे न्यूज़पेपर एडिटर्स जो हैं वो अपना ओपिनियन या फिर जो उनके रिपोर्टर्स होते हैं उनका ओपिनियन लोगों के सामने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो कि अपना करंट नेचर के होते हैं, जिनके अंदर लोगों की दिलचस्पी होती है और जो कि कंट्रोवर्शियल नेचर के होते हैं, उनके ऊपर वो ओपिनियन लोगों को मुहैया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकल न्यूज़ का सेक्शन आता है कि जिसका ताल्लुक जिस शहर में अखबार छपा है उस शहर की खबरों से होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स का सेक्शन है कि जो कि नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करता है। लाइफस्टाइल का सेक्शन होता है कि जिसके अंदर एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फैशन, कुकिंग या फिर जितने भी हाउस होल्ड के हवाले से जो इश्यूज हैं ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद क्लासिफाइड एड का सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये न्यूज़पेपर वालों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, इस सेक्शन से वो अपनी अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं। सो कोई भी न्यूज़पेपर जो है उसके अंदर मेजर सेक्शंस होते हैं जिसमें न्यूज़ आर्टिकल, एडिटोरियल्स, जनरल आर्टिकल्स और स्पेशलाइज्ड आर्टिकल यानी कि स्पोर्ट्स और साइंस के हवाले से या फिर बिजनेस के हवाले से, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसमें वेदर हो गया, टीवी प्रोग्राम्स, फ्लाइट्स का शेड्यूल्स और ट्रेन्स का शेड्यूल या फिर टेलीविजन प्रोग्राम जो होते हैं उनके शेड्यूल के हवाले से हमें बताया जाता है। इसके अलावा ऑबिचरीज का सेक्शन होता है। ऑबिचरी जो होती है किसी शख्सियत के मरने पे जो उसकी मुख्तसर सी बायोग्राफी और उसके बारे में जो ताज़ियत के अल्फाज होते हैं वो उसको हम कहते हैं ऑबिचरी, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल। इसके बाद लेटर टू द एडिटर्स होते हैं और कार्टून का सेक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो लेटर टू द एडिटर है इस सेक्शन के हवाले से आपके पेपर में मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कहा जा सकता है कि कोई लेटर लिखें एडिटर के नाम या फिर जनरल लेटर जो है वो लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है जी। अब एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमें वेरियस टाइप्स जो हैं टेक्स्ट की दी गई हैं एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी टाइप की टेक्स्ट है, ठीक है। नीचे टाइप्स हमारे पास लिखी हैं, इसमें जॉब एडवर्टीजमेंट होगी, इसमें न्यूज़ रिपोर्ट होगी, इसमें लेटर टू द एडिटर होगा, इसमें टेक्नोलॉजी न्यूज़ होंगी, इसमें इकोनॉमी न्यूज़ होंगी, इसमें ओपिनियन होगा, स्टाइल होगा, अनाउंसमेंट होगा, स्टॉक्स होगा और स्पोर्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैटरडे जुलाई 18, 2009 स्टाफ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट है तो हमें आगे पढ़ने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वी शुड नो कि ये जो है ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ हैविंग ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन वर्चुअली एवरी कंट्री। तो अब ये इसका ताल्लुक जो है वो मोइशियत से है, तो इट इज़ एन इकोनॉमिक न्यूज़, ठीक है। विजिट द ड्राइंग रूम आर्ट गैलरी एंड सी स्पेक्टेकुलर एग्जिबिशन ऑफ कंटेम्प्रेरी मास्टर फॉर 1 फुल मंथ स्टार्टिंग अगस्त 1। अब ये अनाउंसमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें ब्लैकबेरी जेवलिन गेट्स रिलीज डेट। फॉलोइंग द हाई प्रोफाइल लॉन्च ऑफ द ब्लैकबेरी बोल्ड एंड द ब्लैकबेरी स्टॉर्म। अब ये जाहिर है मोबाइल फ़ोन के हवाले से है और मोबाइल फ़ोन का ताल्लुक टेक्नोलॉजी और उस साइंस की फील्ड से है। सो वी ऑलरेडी नो कि ये जो है टेक्नोलॉजी के सेक्शन की न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई तो हमें पता है कि ये क्या है, ये
जॉब एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद शोएब अख्तर का जिक्र आ गया, पिक्चर है, वो भाग रहा है, यूनिफॉर्म में है, गेम खेल रहा है, सो वी कैन एज्यूम दैट इट इज़ अ स्पोर्ट्स आर्टिकल, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है। उसके बाद मैगजीन की एक पिक्चर है, कवर पिक्चर आपको नजर आ रही है, सो इट मीन्स दैट इट इज़ कंसर्न विद लाइफ स्टाइल, ठीक है, शोबिज लाइफ स्टाइल, इससे इसका ताल्लुक है। इसका KSE 100 इंडेक्स हमें दिखाया जा रहा है, सो इसका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आगे देखें तो फ्री सिगरेट्स लिखा हुआ है, सैटरडे जुलाई 18, 2009, वी कीप हियरिंग दीज डेज ऑफ टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हाउ एवर वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज एंड पॉलिसीज। अब ये क्या है, ये लेटर टू द एडिटर है, ठीक है, लेटर की फॉर्म में लिखा गया ऑब्वियसली, सो फिर हम अज्यूम कर लेते हैं ना, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफ लैंग्वेज है, लास्ट वीक फ्रेंड्स ड्राइवर हु इज रिस्पेक्टेबल मिडिल एज मैन वाज सेंट टू डिलीवर ए डोजियर टू द हाउस इन द पोश लाहौर नेबरहुड, ही कुडंट फाइंड हिज वे इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड रिटर्न द नेम्स एंड द डायरेक्शंस ऑन द वे वर ऑल इन इंग्लिश। अबाउट अ कपल ऑफ ईयर अगो इन कराची आई वॉज ऑन माई वे बैक अगेन, इट इज लेटर टू द एडिटर सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास, न्यूज़पेपर्स हैव अ लोकल और अ सिटी पेज इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इवेंट्स इज गिवन, थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ लोकल इवेंट्स दैट आर अनाउंस्ड इन द न्यूज़पेपर, व्हाट टाइप ऑफ लोकल इवेंट अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू फाइंड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो नमाज, लोकल नमाज टाइम्स के हवाले से खबरें होती हैं, ऑब्विचरीज होती हैं, लोकल जो है वो क्राइम के हवाले से खबरें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकल जो इवेंट्स होते हैं आपके, उनके हवाले से खबरें आ सकती हैं, ठीक है। लोकल जो आपकी अपना पॉलिटिक्स है उसके हवाले से खबरें आ सकती हैं, कि जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें क्या है, एनी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से कोई अगर लोकल जो है वो डेवलपमेंट हुई है तो उसके हवाले से खबर जो है वो हमें लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके सेक्शन में हमें मिलती है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस के हवाले से। अब इसके हवाले से क्वेश्चन भी आपका आता है कि जहाँ पे आपको वेरियस जो है वो सिचुएशंस दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से क्राइम हो गया, इसी तरह से आपको जो है वो वर्ड्स दिए जाएंगे और उन पे आपने हेडलाइंस जो है वो कैच हेडलाइंस जनरेट करनी होंगी। तो हेडलाइन के क्या फीचर्स होते हैं, किस अंदाज से लिखी जाती है, ये आपको काइंडली जो है वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इस पे फोकस आपको करना होगा। तो कोई भी न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो जो रीडर है जो कि उसको पढ़ने वाला है वो उसकी अटेंशन को फौरन ग्रैब कर ले। तो हेडलाइन जो है वो सीन को सेट करती है, ठीक है, और ये इट इज़ नॉट मोर देन वन सेंटेंस, और वो सेंटेंस भी जो होता है वो 4 से 5 अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, और ऐसा सेंटेंस होता है कि जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, ठीक है, कि उसमें ग्रामर का लिहाज जो है वो नहीं रखा जाता। तो हेडलाइन जो है उसमें 4 से 5 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है, पार्टली क्लाउडी वेदर फोरकास्ट फॉर कराची, ठीक है। अब ये सेंटेंस है लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, लेकिन चूंकि अगर हम जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे तो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, और हेडलाइन के लिए लेंथी सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। इस वजह से जो न्यूज़पेपर एडिटर्स होते हैं वो ग्रामर के रूल्स को वायलेट करते हैं, कुछ वर्ड जो हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है जुमले में से, और इस तरीके से हेडलाइन जो है वो बनाई जाती है। क्योंकि हेडलाइन जो है उसका मकसद क्या है, रीडर्स की अटेंशन अट्रैक्ट करना। तो ऑब्वियसली एक दो वर्ड जो हैं, जैसे यहाँ पे कराची का वर्ड है और उसके साथ क्लाउडी वेदर का वर्ड, अब ये चीज़ काफ़ी है जो एक रीडर है उसके लिए, कि अगर वो कराची का बाशिंदा है तो वो यकीनन इस खबर को डिटेल से पढ़ेगा, और अगर ये कंप्लीट सेंटेंस होता तो फिर ये होता है कि रीडर को जो मेन आइडिया है उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो उस टाइम को बचाने के लिए जो है वो कैच हेडलाइंस लिखी जाती हैं, जो कि जिसमें से गैर ज़रूरी अल्फाज एलिमिनेट किए जाते हैं और ताकि रीडर जो हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। तो हेडलाइंस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी वर्ड्स को एलिमिनेट करने के बाद उनको बनाया जाता है। अच्छा, जिन वर्ड्स को ओमिट किया जाता है, ठीक है, उन वर्ड्स में आर्टिकल्स शामिल हैं, जैसे आ हो गया, दा हो गया, एन हो गया, ठीक है, और वर्ब टू बी जो होता है उसको भी जहाँ पे पॉसिबल है उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो इनकी मतलब ग्रामर जो होती है वो स्पेशल होती है, अलग से होती है। जैसे ये एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, कॉरपोरेट एग्रीमेंट साइन, ठीक है। अब इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन अब हमें पता है कि कॉरपोरेट एग्रीमेंट मीन्स के दो बड़ी कंपनी हैं, उनके बीच में कोई ना कोई मुआहदा जो है वो तय पा गया। ऐसे ही सेकंड आपके पास जो हेडलाइन लिखी है, कैच हेडलाइन, जज स्वोर्न इन, कि जज साहब जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। अब ऑब्वियसली जब इस टाइप की खबर लगती है तो इट मीन्स कि जज जो है वो किसी आला अदालत से या ऊपर के तबके से वो जो है वो ताल्लुक रखता है। ज़ाहिर है कोई आम जज हो, सिविल जज हो, तो उसकी तो खबर नहीं लगेगी ना। तो ऑब्वियसली हाई हाई कोर्ट का कोई जज होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, तो उसके हवाले से खबर लगेगी। तो ऑब्वियसली फिर जो अटेंटिव रीडर्स होते हैं, जो कि अखबार में से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस लिखा है इसका क्या मतलब है और इसके अंदर कौन सी डिटेल्स जो हैं वो मुहैया की जाएंगी। जी, तो इसी कैच लाइन को अगर आप जो है वो कंप्लीट पढ़ें, ठीक है, कि कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन, तो अब लिखा हुआ ना, अब कॉरपोरेशन एग्रीमेंट इज साइन, तो ये कंप्लीट वर्जन है इसका। इसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस था कि जज स्वोर्न इन, तो उसको अगर आप कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये है, जज इज स्वोर्न इन, ठीक है। सो हम इसे अक्सर लोगों को जो है वो डिफ़िकल्टी पेश आती है हेडलाइंस को समझने में, पर्टिकुलरली वो लोग कि जो कि रीडिंग से को खास दिलचस्पी नहीं रखते, और वो लोग जो कि न्यूज़पेपर को रेगुलरली नहीं पढ़ते, ठीक है, उनके लिए इसकी हेडलाइंस को समझना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि जो हेडलाइंस हैं वो ऑफ्टन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आपके ऊपर लिखा हुआ जज स्वोर, ठीक है, इसके अंदर एब्रीविएशंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे बिकॉज है तो CZ यूज़ हो जाएगा, और भी जो एब्रीविएशंस हैं, ठीक है, डॉक्टर है तो उसकी उसकी जगह पे मतलब के DR लिखा जाएगा। तो ये एब्रीविएशंस जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है हेडलाइंस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इनकी ग्रामर जो है वो इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि ये रूल्स के मुताबिक नहीं होती, और इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल यानी कि AN और दा जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब आप देखें तो मज़ीद जो है वो दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, प्रेजिडेंट डिक्लेयर्स सेलिब्रेशन, अब ये हेडलाइन है, ठीक है, लेकिन इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, द प्रेजिडेंट डिक्लेयर्स अ सेलिब्रेशन, आगे ऑफ भी समथिंग होना चाहिए, तो तब हमें पता चलेगा ना कि किस चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद सुपरमार्केट डे लाइट रॉबरी, ठीक है, अब जाहिर है जो शख्स पढ़ा लिखा है उसको तो पता होगा कि देर हैज़ बीन अ रॉबरी इन द ब्रॉड डे लाइट इन द सुपर मार्केट, ठीक है, तो ये उसकी है जो है वो हेडलाइन। तो इसी तरीके से आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, उसके हवाले से आपको कैच हेडलाइंस या ये जो हेडलाइंस हैं ये आपको हेडलाइंस जनरेट करना होगी, ठीक है। अब हमें फोर एग्जांपल्स देख लिए हैं, आगे इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर हमसे कौन सी एक्टिविटी करने को कहा जा रहा है। जी, हेडलाइंस दी गई हैं, इनको आपको पढ़ना है एंड रीराइट देम एज दी कंप्लीट सेंटेंसेस, यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एंड वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहली हेडलाइन है डिफिकल्ट टाइम्स अहेड, तो अब इसके बारे में जाहिर है कि मुश्किल वक्त है, आगे का मुश्किल वक्त है, तो ऑब्वियसली किसी शख्स ने कहा होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर सेज दैट डिफिकल्ट टाइम्स आर अहेड, ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट न्यूज़ बनेंगी, ठीक है। फॉरगॉटन ब्रदर अपीयर्स, ठीक है, द फॉरगॉटन
ब्रदर अपीयर्स सडनली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अब आप ऐसे ही देखें कि डार्क क्लाउड्स होवर ओवर सिटी अगेन, ठीक है। तो द डार्क क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर द सिटी अगेन, ठीक है। गर्ल्स आउटशाइन बॉयज, द गर्ल्स यूजली आउटशाइन आउटशाइन द बॉयज, या द गर्ल्स हैव आउटशाइंड, ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, द गर्ल्स हैव आउट शाइंड द बॉयज, ठीक है। आउटशाइन का मतलब ये होता है कि पोजीशन वगैरह ले गई हैं बोर्ड में ना, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज फॉलो, जी। तो इसी पैटर्न पे अब आप देखें नंबर 5 की नॉस्टैल्जिक मेमोरीज फॉलो। तो द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज फॉलो द एडवेंचर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऑयल प्राइसेस सोर है, तो इसको आप लिख सकते हैं द ऑयल प्राइसेस आर सोरिंग, ठीक है, या द ऑयल प्राइसेस हैव सोर्ड। तो इस तरीके से ये जो आपकी हेडलाइंस हैं ये कंप्लीट सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होती हैं। लेकिन आप देखें कि छोटे छोटी हेडलाइंस लिखी हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू द कम्प्लीट सेंटेंसेस। तो इस वजह से हेडलाइंस को अखबार के अंदर जो एडिटर हैं वो यूज़ करते हैं ताकि रीडर्स की अटेंशन को वो अपनी जानेब ग्रैब कर सकें। अच्छा, अब हेडलाइंस जो होती हैं चूँकि उसके अंदर स्पेस को बचाना होता है, तो स्पेस को बचाने के लिए अक्सर अवकात जो है वो जो एब्रीविएशंस हैं या फिर एक्रोनेम्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वापडा। वापडा जो है ये एक्रोनेम है। एक्रोनेम क्या होता है कि जब कोई जो एब्रीविएशन है वो एक नाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, तो उसको फिर हम कहते हैं एक्रोनेम। जैसे वापडा है, जैसे ओग्रा है, ठीक है। तो ये सारे वो इदारे हैं जो कि एक अपने जो एब्रीविएशन हैं वो एब्रीविएशन ही उनकी नाम बन चुके हैं या उनकी पहचान बन चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका एब्रीविएशन का या फिर एक्रोनिम्स का हेडलाइंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपके पास लिखा है CJ क्रिटिसाइज डिसऑनेस्ट इलेक्शन प्लान। CJ का क्या मतलब है? चीफ जस्टिस, ठीक है। तो चीफ जस्टिस क्रिटिसाइजेज डिसऑनेस्ट इलेक्शन प्लान इज द कंप्लीट सेंटेंस। हाउएवर व्हेन वी यूज कंप्लीट चीफ जस्टिस द लेंथ ऑफ द सेंटेंस इंक्रीजेज। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सेंटेंस व्हाट वी डू इज वी यूज द एब्रीविएशंस और द एक्रोनिम्स। जी, अब एब्रीविएशंस हैं और एक्रोनिम्स हैं, इनको आपने कंप्लीट फॉर्म लिखनी है। UN का आपको पता है यूनाइटेड नेशंस है। SC का मतलब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है। PM का मतलब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर है। पैमरा का मतलब है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। NA का मतलब है नेशनल असेंबली, ठीक है। नंबर 7 है PNCA टू सेट अप नेशनल फिल्म एकेडमी। PNCA से मुराद है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 8 है, तो इसमें SHOs है, तो आपको पता है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो SHO का कंप्लीट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ हेडलाइंस दी गई हैं और उन हेडलाइंस को आपने कंप्लीट करना है। जैसे मिसिंग पेंटिंग फाउंड है, तो मिसिंग पेंटिंग फाउंड इन द स्टोर रूम है, ठीक है। इससे बेसिकली होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हेडलाइंस किस तरीके से जनरेट की जाती हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफरिंग है, सफरिंग वर्ड सफरिंग लॉसेस के नुकसान उठा रही है। वाइड स्प्रेड राइटिंग अगेंस्ट अगेंस्ट वर्थ अगेंस्ट हम कह सकते हैं अपने बोगस इलेक्शन, ठीक है, कि लोग एहतजाज कर रहे हैं बोगस इलेक्शन के खिलाफ, ठीक है। 13 इंजर्ड इन इन व्हाट इन एक्सीडेंट लिख सकते हैं, या फिर इन हम जो है वो यहाँ ब्लास्ट लिख सकते हैं।
मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। लोड शेडिंग हाई डिस्पाइट डिस्पाइट हाई हाइडल जनरेशन, ठीक है, पानी से बिजली तो जनरेट हो रही है लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। कोर्ट इश्यूज शो कॉज नोटिस टू द पार्टी हेड्स, हम लिख सकते हैं, ठीक है, टू द चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, मतलब किसी को भी हो सकता है। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स्ड ठीक है कि गिर गई है, ये इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज इज गेनिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 7 है, रीड द हेडलाइंस एंड मेक टू प्रिडिक्शंस और गेसेस अबाउट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल। हेडलाइन है, आपने प्रिडिक्शंस करनी है। हेडलाइन क्या है? बेरिड अंडर द स्नो, तो बेरिड अंडर द स्नो, अब ऑब्वियसली के बर्फ के नीचे कोई चीज़ जो है वो दब गई है, तो इट कुड बी अबाउट वेदर, इट कुड बी अबाउट अ पर्सन हु गॉट बेरिड अंडर द स्नो। अब ये न्यूज़ आर्टिकल है डिटेल में जिसके अंदर खबर दी गई है, और उसकी आप अगर कंप्लीट हेडलाइन देखें तो हमें पता चल जाता है, हमें आगे आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि मोबाइल फोन सेव्स ऑस्ट्रेलियन स्कीयर बेरिड अंडर द स्नो, के वो जो कि बर्फ़ के नीचे आ गया था लेकिन मोबाइल फ़ोन की वजह से उसकी जान बच गई। हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन से लोकेशन जो है किसी की वो इजीली ट्रेस की जा सकती है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट लोकेशन हिज लाइफ वाज सेव्ड। ऐसे ही सेकंड हेडलाइन है, तो हेडलाइन क्या है? सिटी इन टू पडल्स। अब आप देखें तो ये किसी शहर के बारे में है जहाँ पे ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उसके नतीजे में सड़कों पे जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप नीचे डिटेल में इसकी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें तो लाहौर का जिक्र है और आगे रेंज का जिक्र है, तो हमें मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी रोड्स हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। फिर वासा का जिक्र है, ठीक है, कि उनसे पानी जो है वो क्लियर नहीं हो सका। थर्ड हेडलाइन है सीनियर फ्रेंडली सोसाइटी। अब इसकी डिटेल न्यूज़ तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, नेक्स्ट पेज पे होगी यकीनन, लेकिन सीनियर से मुराद क्या होता है? बुज़ुर्ग, ठीक है। तो एक ऐसी सोसाइटी के जो कि बुज़ुर्गों की फेवर करती है, जो कि बुज़ुर्गों के साथ जो है वो अच्छा रवैया रखती है। तो अब हम इसका न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं तो मज़ीद उसे कंफर्म हो जाएगा कि आया हमारी प्रिडिक्शन या हमारा गैस जो है इसके बारे में वो ठीक है या कि वो ठीक नहीं है जी। तो इसकी पिक्चर अगर आप देख लें तो पिक्चर से ही वाजे हो रहा है कि ये कोई ओल्ड पीपल के बारे में कोई सोसाइटी है जो कि उनके लिए फ्रेंडली है, उनके अच्छे इकदाम कर रही है, ठीक है। सो वी डू नॉट नीड टू रीड द न्यूज़ आर्टिकल, नाउ वी नो कि जो हमने प्रिडिक्शन की थी दैट प्रिडिक्शन इज़ एक्यूरेट, वो ठीक है, वो गलत नहीं है जी। अब असल जो एक्टिविटी है वो एक्सरसाइज नंबर 8 है, आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिया गया है, यू हैव टू रीड द न्यूज़ आर्टिकल एंड यू हैव टू डिवेल्प योर ओन सूटेबल हेडलाइंस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑन वेंसडे लॉन्च द मूनसून ट्री प्लांटेशन कैंपेन बाय प्लांटिंग सैपलिंग एट एवाने सत्र, ठीक है। तो अब हमने इसकी हेडलाइन बनानी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे मूनसून ट्री प्लांटेशन लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब इसकी हेडलाइन बन गई। अब हम बाय प्रेसिडेंट यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं प्रेसिडेंट लॉन्चेस मूनसून ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है या फिर इस तरीके से भी हो सकता है जिस तरीके से मैंने लिखा है। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखें, इस्लामाबाद द FM 92.4 रेडियो सर्विस लॉन्च्ड बाय इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वुड नॉट क्रिएट
ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक बट आल्सो हेल्प कर्टेल क्राइम इन द सिटी। ठीक है, तो अब हमने ये करना है कि हमने एब्रीविएशन का यूज़ करना है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है इसको ITP कहा जाता है। ठीक है, तो ITP लॉन्चेस FM 92.4। ठीक है, अब ये हमारी हेडलाइन बन गई। ठीक है, 4 to 5 वर्ड्स हैं एग्जैक्टली और हमने कंप्लीट सेंटेंस भी यूज़ नहीं किया, इसमें कोई आर्टिकल वगैरह भी नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट है कि जिसमें आपको कुछ हेडलाइंस दी गई हैं और कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं। इन पैराग्राफ्स को और हेडलाइंस को आपने आपस में मैच करना है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा। सो इसको आप जो है वो खुद आराम से बाद में रीडिंग करके तो इनको आप इजीली मैच कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। इसके बाद 10 नंबर एक्सरसाइज है कि एक अदद अखबार लें और अखबार को ओपन करें और जो नेम ऑफ़ द न्यूज़ पेपर जो है यानी कि जो उसके सेक्शंस होते हैं इसके आपने पेज नंबर बताने हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो कौन से पेज पे होती है, स्पोर्ट्स स्टोरीज कौन से पेज पे हैं, टीवी लिस्टिंग्स यानी कि टीवी के जो प्रोग्राम्स का शेड्यूल होता है वो कौन से पेज पे है, पजल्स कहाँ पे हैं, एडवर्टीजमेंट्स कहाँ पे हैं, एंटरटेनमेंट न्यूज़ कहाँ पे हैं, स्टॉक मार्केट के रेट्स जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कार्टून्स दिखाए गए हैं और आपको गैस करना है कि कार्टून किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इजी है। IMF का लोन है, पीछे हमारी मोशर यानी कि हमारा मुल्क है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी यही हालात थे, आज भी यही हालात हैं। और जो मौजूदा हालात से पता चलता है कि आज के 8 से 10 साल बाद भी हमारे यही हालात होंगे। जी, अब हम देखते हैं कि जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट अ न्यूज़पेपर आर्टिकल कंटेन्स इज़ अ हेडलाइन, जो कि अभी तक हमने लिखना सीखी, जिसकी हमने प्रैक्टिस भी की, एम्पल प्रैक्टिस हमने कर ली। हेडलाइन के बाद होती है बायलाइन। ठीक है, बायलाइन जो है इसमें हमें बताया जाता है कि हु इज़ दी राइटर ऑफ दिस न्यूज़ आर्टिकल। ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो जो है न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं। तो बायलाइन के अंदर हमें जो इस न्यूज़ आर्टिकल का ऑथर है उसके बारे में बताया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव द लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ का जो है वो बिल्कुल वही रोल होता है एक न्यूज़ आर्टिकल के अंदर जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का रोल होता है आपके एसे के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर लीड जो लाइन है आपकी उसके अंदर बताया जाता है हु व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई। हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो न्यूज़ उसकी एक्सप्लेनेशन होती है यानी कि जो लीड पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, लीड लाइन को सपोर्टिंग डिटेल के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करके प्रेजेंट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ दी लीस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर न्यूज़, और लोग इसको ज़्यादातर जो है वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो हेयर वी आर गोइंग टू कंक्लूड द मेन डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। ठीक है, जो हमारा मेन इशू था वो सारा यहाँ पे क्लोज होता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू दिस यूनिट एंड द प्रीवियस यूनिट। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस यूनिट के मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर शेयर नहीं किए, सो रिलेटेड टू यूनिट नंबर 8 एंड रिलेटेड टू यूनिट नंबर 9 नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क फ्रॉम यू इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।